दुनिया भर में कोरोना के कहर से हुई मृत्यु की आत्मा की शांति के लिए नेशनल अकाली दल के पटेल नगर कार्यालय में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ व अरदास की गई। पम्मा ने कहा कि हम गुरु साहब के चरणों में आज अरदास कर रहे हैं, इस कहर से मुक्ति मिले और आगे आने वाले समय में सुख शांति मिले। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि कोरोना ने जो कहर ढाया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, हर किसी से कोई न कोई अपने को खोया है और नेशनल अकाली दल के सुरेंद्र सिंह, बिंद्रा, राकेश धवन, हरमीत सिंह सहित अनेक वरिष्ठ सदस्यों को अपने हमेशा के लिए खो दिया, जो बहुत ही दुखद है। देखो, जो आज हमने अरदास की है नेशनल अकाली दल की ओर से, वो की है कि दुनिया भर में जो ये कहर आया कोरोना का, इसे मुक्ति मिले। और वाहेगुरु आगे अरदास यही की गई है, जिन लोगों की इस कोरोना काल में मृत्यु हुई है उनको, उनकी आत्मा को शांति के लिए, जिसमें हमारे नेशनल अकाली दल के कई लोग हमने खो दिए हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह बिंद्रा जी, राकेश धवन जी और हरमीत सिंह जी और भी कई लोग हमने जो मित्र खो दिए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आज अरदास रखी गई है। क्योंकि ये इस प्रकार का जो हमारा कार्यक्रम था, वो उसको ये है कि हम इस, अपने भगवान के आगे ही अरदास कर सकते हैं, सच्चे पाशाह के आगे ही अरदास कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं कि ये जो काल चल रहा है, आगे भी जो तीसरी लहर भी आने को हो रही है, इससे मुक्ति मिले। क्योंकि संसार में बहुत डर पैदा हो गया है और आज जो हम अपने लोगों को खो चुके हैं, वो इतना महसूस हो रहा है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए जो नेशनल अकाली दल की ओर से ये कोशिश की गई है, ये नहीं है कि हमारे अपने देश में, विदेशों में कहीं पर भी कोरोना की ये जो बीमारी है ख़त्म हो और जो भी लोग इस बीमारी से मुक्ति हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो अरदास का आयोजन। कोई ये है कि घर बैठ के वो पैसा कमा सकती है या उसको पैसा आ सकता है? जनता तब ही होगी जागरूक जब उसको लगेगा, अब जब कहीं पर कोई नौकरी करता है उसका मालिक बुला लेगा तो वो क्या मना कर देगा, मैं नौकरी के लिए नहीं चाहता? वो नहीं मना कर सकता, वो ये कहेगा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपने बच्चों के लिए जाना पड़ेगा, मुझे अपने घर का किराया देना है, मुझे दुकान का किराया देना है, या मुझे अपनी फीसें भरनी है, या किसी प्रकार का भी कुछ करना है, बिजली के बिल भरने हैं, हर चीज में ये देखो कि हम ये ठीक है, कहीं पर लोगों की भी लापरवाही है। आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं, एक नीति बननी चाहिए सरकार की कि जो भी लोग ये कोरोना काल में दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं या कोई भी किसी प्रकार के कमर्शियल कार्यालय बंद हैं, तो उसके लिए सरकार की ये नीति होनी चाहिए, उनके बिल माफ होने चाहिए, मेडिकल की पूरी सुविधा होनी चाहिए, स्कूल फीस के लिए छूट मिलनी चाहिए, तो आम बंदा भी थोड़ा सब्र कर लेगा, चलो मैं घर पे बैठा हूं, मेरे पीछे मेरी सरकार है। जब कुछ है ही नहीं उसके पल्ले, जब उसको यही लगता है कि करना है तो फिर मरना भी है, तो वो कैसा मर के ही मैं क्यों ना करूं, जो होगा मेरे घर पे, ये तो नहीं मेरे घर में भूख मरी मरेगी, तो भूख से भी तो लोग मरेंगे। आज भूख इतनी हो चुकी है, लोगों को बेरोजगारी, इतनी नौकरियां जा चुकी हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो उसके लिए कोई भी एक्शन किसी प्रकार का नहीं उठाया गया। आज हमने देखा 5-5, 6-6 घंटे लोग एम्बुलेंस में अपने परिवार को लेके घूमते रहे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, क्या ये क्या सरकार की, क्या ये फर्ज नहीं था? हमने सरकार चुन के क्यों भेजते हैं? सरकार इसलिए चुन के भेजते हैं कि कल को कोई भी जरूरत हो तो हमारी सरकार हमारे पीछे खड़े हो, मगर उस समय सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, सरकार ने कोई भी सुविधा देने मना कर दिया, अपने अपने जो मंत्री हैं, संतरी हैं, सभी कमरों के अंदर बंद हो गए, अब सब बाहर आने शुरू हो गए। ये क्या मतलब हुआ भाई? जब जरूरत थी तब आप लोग हमारी मदद को आए नहीं, जब हम लोग तरसते रहे, आवाजें देते रहे कि हमारे लोग बीमार हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही, हॉस्पिटलों ने मनमानी पैसे लेने शुरू कर दिए, आपने देखा 2-2 घंटे की ऑक्सीजन देने के लिए कितने कितने लोगों ने पैसे दिए, तो ये क्या, ये सरकार अब अपनी जिम्मेवारी से हट जाएगी क्या? अब लोगों के ऊपर सब कुछ डाल देगी? नहीं, ये सरकार का फर्ज है और सरकार हमने चुन के भेजी है, सरकार का फर्ज है कि हमारा ख्याल रखे। अगर सरकार रखते हैं, हम भी वो इसी चीज पे चलेंगे भाई, हम भी बाहर कम निकले, सब कुछ निकले, मगर जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो हमें भी अपना रोजगार ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और, जिस तरीके से आपने सरकार की जिम्मेवारी बता दी, मगर चुना तो आप लोगों ने ही है उनको, जब वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या जो आने वाले चुनाव है, 5 राज्य के चुनाव हो गए, दिल्ली के निगम के चुनाव हो गए, या फिर कह सकते हैं मुंबई के निगम के चुनाव हो गए, क्या उनके अंदर दोबारा से फिर उनको चुनोगे आप लोग या फिर किसी और को चुनोगे? देखो, वो वक्त बताएगा, हम तो देखो विरोध करेंगे पूरा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो। आपने देखा केंद्र सरकार का कोई भी, जो हमारे दिल्ली के एमपी है, कोई भी सातों में से सातों बार नहीं आए,
जो हमारे दिल्ली सरकार है उसने भी अब जाके पंजाब में बिजली फ्री, वहां पर बिजली फ्री। अरे भाई, जो दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर दिया आपको चुन के, क्या दिल्ली वालों के लिए बिजली फ्री नहीं हो सकती थी? ये कोरोना काल की बिजली माफ नहीं हो सकती थी? या स्कूल फीस माफ नहीं हो सकती थी? बाहर जाके आप इलेक्शन में तो बाहर बांट रहे हो। केंद्र सरकार की जो नीति आती है बाहर वालों के लिए आती है, दिल्ली वालों ने क्या कसूर किया भाई? दिल्ली वालों के लिए आप लोग जो भी काम करेगा वो ही राज करेगा। पहले भी आपने देखा बड़े से बड़े दुलंदरों को, चाहे वो मदनलाल खुराना जी हो, चाहे शीला दीक्षित जी हो, जिन्होंने जिस समय काम किया सरकार, लोगों ने उनको चुन के भेजा। जब उन्होंने सरकार लोगों की तरफ मुंह मोड़ा तो लोगों ने भी उनकी तरफ मुंह मोड़ लिया। और वैक्सीन को लेकर भी कम से कम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में छलनी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही है, दिल्ली सरकार कह रही है बार बार कि वैक्सीन खत्म हो रही है, तो फिर तीसरी लहर से कैसे बचेंगे? देखिए, ये तो सब राजनीति हो रही है। इस राजनीति के दौर में आम बंदा पिस रहा है, और इस समय ये हालात हो चुके हैं कि हर बच्चा, हर बंदा डिप्रेशन में आता जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि किस प्रकार हम आगे वाले समय में अपना गुजारा करेंगे, किस प्रकार ये जो तीसरी लहर आएगी उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि कहीं पर वैक्सीन नहीं है, दवाइयों का बुरा हाल है, पैसे का लोगों का रोजगार बुरा हाल है, और आने वाले समय में लोगों को ये लगता है कि हॉस्पिटलों का भी क्या हाल रहेगा। अभी तक सरकार की ओर से कोई ये नहीं हुआ कि जिस प्रकार के प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये किया जाए कि वहां पर ये वैक्सीन के लिए या किसी प्रकार का हॉस्पिटल बनाए जाए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये फौज के हवाले कर दिया जाए। जिस प्रकार फौजी अब के तौर पर, जंग के तौर पर ये जंग लड़ी जाए तो तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं, और हमारे फौजी आके इसको कार्य को संभालें तो ये हम जीत के दिखाएंगे, पूरा भारत जीत के आएगा। ये राजनीतिक जो नेताओं के सहारे नहीं जीत के आ सकता।